जब भी मेहमान या स्पेशल कुछ घर में बनाना होता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ पनीर आता है, और अब पनीर में क्या बनाया जाए वो भी बड़ा क्वेश्चन होता है। तो हम बनाने वाले हैं सिंपल एंड क्विक बनने वाली पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जो बनती है सिंपल रेस्टोरेंट स्टाइल, और टेस्ट में तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर पर बनी है। तो पहले 2 चम्मच बटर और 2 चम्मच तेल लेंगे ताकि बटर जले ना, 1 चम्मच जीरा लेंगे और इसे हल्का सा सेक लेंगे, कुछ सूखे मसाले जैसे तेज पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, और इसे खुशबू आने तक भून लेंगे। यहाँ 3 प्याज को मैंने चॉपर की हेल्प से बिल्कुल बारीक करके इस्तेमाल किया है, तो आप इसे या फिर ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या चॉपर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे पीसना हमें बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मोटा मोटा काटना है। चॉपर यूज करने से ये ना सिकते समय बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्च को स्लिट करके इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट और इसे चला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। तीन टमाटर को मैंने यहाँ पर दोबारा चॉपर की मदद से कट करके इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, पर एकदम बारीक हमें नहीं पीसना है, थोड़ा रवीना ही रहने दीजिएगा। इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, और इन सभी मसालों को हमें भूनना है। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मुझे लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगा था। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच, ताकि सभी मसाले अच्छे से पक जाए। आधा चम्मच चीनी का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि सभी मसालों का टेस्ट बैलेंस हो जाए। इसे हमें यहाँ पर मैशर की हेल्प से मैश करना है, जो कि ग्रेवी को और भी स्मूथ बनाएगा और इसके टेस्ट को इनहेंस करेगा। पनीर ऐड करेंगे और आराम से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर टूटे ना, क्योंकि पनीर अब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और मिक्स करते समय टूट सकता है, इसलिए इसे आराम से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इसका की इंग्रेडिएंट, जो कि है क्रीम। तो मैंने यहाँ पर अमूल क्रीम का इस्तेमाल किया है, जिससे ग्रेवी काफ़ी रिच हो जाती है, और भाई रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये देखने में भी काफी ज्यादा सही लग रहा है ना, खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी था, तो इसे बनाना तो बनता है यार। मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट और पका लेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से पक जाए। और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसे मिक्स करेंगे तो तैयार है हमारा पनीर बटर मसाला। इसे आप नान, बटर रोटी, लच्छा पराठा, जिसके साथ भी आपको पसंद है उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते वीडियो को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।